यूपी के कानपुर में कुएं में 200, 500, 2000 के नए करेंसी नोट मिले हैं। जैसे ही ये खबर ग्रामीणों में फैली कि कुआं 2000 के नोट उगलने लगा है, देखते ही देखते पैसे लूटने वालों की होड़ मच गई। कानपुर के घाटमपुर के भीतर गांव कस्बे के पसीमा गांव में दोपहर में तब हड़कंप मच गया जब एक सूखे प्राचीन कुएं के अंदर से 200, 500, 2000 के नए करेंसी नोट पड़े दिखे। कुछ लड़कों ने धागे में लभेर के फलों के गुच्छे बांध कर लटकाया तो कई नोट चिपक कर ऊपर आ गए। कुएं के अंदर नोट निकलने की खबर आसपास के गांव में आग की तरीके फैल गई। देखते ही देखते कुएं के पास भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक कुएं के अंदर से 8 से 9 हजार रुपए निकल चुके हैं। अनोखा नजारा देखने व पैसे निकालने के लिए क्षेत्रीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पसेमा ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह यादव ने बताया, गांव किनारे प्राचीन शिव मंदिर है, उसी परिसर में एक सूखा खंडहर में तब्दील 40 फीट गहरा कुआं है। दोपहर में कुछ लड़के मंदिर परिसर में खेल रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने कुएं में झांका तो नोट जैसे पड़े दिखे। इसके बाद लड़कों ने लभेर के चिपचिपे फलों को धागे में बांध कर कुएं में लटकाया तो 200, 200, 500 के 2-2 हजार नोट निकले। फिर कुएं के अंदर से नोट निकलने की होड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुएं के अंदर खरपतवार भरा पड़ा है। टॉर्च की रोशनी से देखने पर अभी भी कुएं के अंदर नोट पड़े दिख रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।